गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास स्टूडेंट्स, आज साइंस की क्लास में हम आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट लाइफ ऑन द अर्थ का टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ वाटर के बारे में समझाएंगे। कंजर्वेशन ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है? पानी को बचाना। कैसे बचाया जा सकता है पानी को? वाटर इज़ अ सच नेचुरल रिसोर्स। पानी क्या है? एक नेचुरल रिसोर्स है विच कैन बी रीप्यूरीफाई फॉर यूज़, जिसे हम वापस से उपयोग करने के लिए प्यूरीफाई, उसको फिर से शुद्ध कर सकते हैं। इन कंपैरिजन टू सम अदर रिसोर्सेज, दूसरे रिसोर्सेज के कंपैरिजन में वाटर इज़ यूज्ड एंड कवर्ड कंजर्व केयरफुली बिकॉज इट टेक्स टाइम टू रिसाइकल इट इनटू द एनवायरनमेंट। वाटर इज़ यूज्ड, वाटर को जो यूज़ करना उसको बचाना भी बहुत ज़रूरी है ताकि हम आगे के समय में उसको अच्छे से यूज़ कर पाए। देयरफॉर इट्स कंजर्वेशन इज़ नेसेसरी। अगर आगे के समय में हमको वाटर को बचाना, अगर हम अभी वाटर नहीं बचाएंगे तो आगे के समय में हमको वाटर नहीं मिलेगा, इसीलिए हमको अभी से ही वाटर को क्या करना चाहिए? बचा के रखना चाहिए। सम ऑफ द मेथड ऑफ वाटर कंजर्वेशन आर फॉलोस। कुछ ऐसी जो मेथड है जो पानी को बचा सकते हैं इन मेथड्स के द्वारा, वो आपको नीचे दी गई है। जैसे कि फर्स्ट, यूजिंग लेस वाटर एंड अवॉइड वेस्टेज एट होम। क्या करो? कम मात्रा में पानी का यूज़ करो और वेस्टेज, पानी को बिना कारण के बहने ना दो। हमारे घरों में पानी को बिना कारण के बहने ना दें। सेकंड, यूजिंग बेटर मेथड फॉर इरिगेशन। अब इरिगेशन, पानी फेरने के लिए, सिंचाई करने के लिए भी अच्छी तकनीकी का इस्तेमाल किया जाए। थर्ड, रिसाइकलिंग ऑफ वाटर इन फैक्ट्रीज एंड यूजिंग इट सेवरल टाइम्स बिफोर इट डिस्पोज्ड ऑफ। रिसाइकलिंग मतलब एक बार यूज़ किए हुए पानी को वापस से रिसाइकल करके उसे क्या करें, बार बार उसका यूज़ करें जब तक कि उसकी जो पूरी क्षमता है वो ख़त्म ना हो जाए। फोर्थ, इफेक्टिव फ्लड कंट्रोल स्पेशली बाय बिल्डिंग डैम्स एंड रिजर्वायर्स। क्या करो फ्लड से, बाढ़ से बचा जा सके, जिसके कारण क्या करो, डैम्स और रिजर्वायर बना दो। फिफ्थ, यूजिंग बायोडिग्रेडेबल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। बायोडिग्रेडेबल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का यूज़ करें। सिक्स, रेन वाटर कैन ऑल्सो भी यूज बाय स्टोरिंग एंड प्योरीफाई इट। रेन वाटर को भी कैसे यूज़ करें, उसे भी बचा कर और प्योरीफाई कर यूज़ करें। इफ़ रेन वाटर इज़ अलाउड टू फ्लो इन टू अ डीप ट्रेंच इन द ग्राउंड। अगर रेन वाटर क्या हो, ग्राउंड में फ्लो हो, इट दस रिप्लेनिश ग्राउंड वाटर, तो उसे कैसा यूज़ किया जाए, ग्राउंड वाटर के फॉर्म में यूज़ किया जाए। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मिनरल्स। मिनरल्स क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज ऑब्टेंड फ्रॉम द अर्थ सच एज कोल, पेट्रोलियम, माइका, नेचुरल गैस, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, गोल्ड, सिल्वर एंड लाइमस्टोन आर नोन एज मिनरल्स। ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो कहाँ से पाए जाते हैं, पृथ्वी पर पाए जाते हैं, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, माइका, नेचुरल गैस, ऑक्साइड ऑफ मेटल, गोल्ड, सिल्वर, लाइमस्टोन, ये सभी क्या कहलाते हैं? मिनरल्स। मिनरल्स आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। ये कहाँ पर पाए जाते हैं? अर्थ की क्रस्ट पर। दे आर एक्सट्रैक्टेड एंड यूज्ड बाय द वेरियस वेज। ये कैसे रहते हैं? एक्सट्रैक्टेड रहते हैं और इनको अलग अलग प्रकार से यूज़ किया जाता है। टुडे मोस्ट ऑफ आवर एनर्जी नीड फुलफिल बाय फॉसिल फ्यूल। आज के समय में जो है हमारी एनर्जी वो किससे ज़्यादा फुलफिल हो रही है? फॉसिल फ्यूल से। मेटल, सीमेंट एंड ग्लास यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन एंड अदर पर्पसेस आर ऑब्टेंड फ्रॉम मिनरल्स। मेटल और सीमेंट और ग्लास जो है वो कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ किया जाता है और दूसरे पर्पसेस के लिए भी यूज़ किया जाता है। देयर आर वेरियस मिनरल्स सच एज डिफरेंट रीजन ऑन द अर्थ। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं जिसका सभी का रीज़न क्या है? अलग है। अनफॉर्चुनेटली मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। क्या है ये? मिनरल्स जो है वो क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। द रिसोर्सेज कैन नॉट बी रिन्यू। ये रिसोर्सेज को हम वापस से रिन्यू मतलब नया नहीं बना सकते। सो दे आर यूज्ड केयरफुली। इसीलिए इनको कैसे यूज़ करना चाहिए? सावधानी के साथ यूज़ करना चाहिए। टुडे डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हैज़ गिवन अस मेथड विच आर बीइंग यूज्ड टू प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट दिस मिनरल्स इन अ यूज क्वांटिटी। आज के जो डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी है तो इसमें ये मिनरल्स का यूज जो है वो बड़ी क्वांटिटी में किया जा रहा है। That thoughtful use of these minerals can is its conservation. ये जो thoughtful यूजनेस से जो ये minerals से ये बच भी सकते हैं। The recycling of some minerals such as iron, copper, aluminium, tin, gold, silver, etc. is possible. ये जो रिसाइकलिंग है मतलब एक बार यूज़ करने के बाद उसको दूसरी बार वापस से यूज़ किया जाता है, जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, टीन, गोल्ड, सिल्वर, ये सब क्या है? ऐसा ये पॉसिबल है कि हम इनको वापस से यूज़ कर सकते हैं। देयरफॉर
बाय रीयूजिंग दैम वी कैन प्रिवेंट देयर वेस्टेज। इसी प्रकार उनको रीयूजिंग करने के लिए हम उनको वेस्टेज से भी क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। सेवन्थ क्लास स्टूडेंट्स, आपकी आज की साइंस की क्लास यहीं पर फिनिश हुई। नेक्स्ट क्लास में हम आपको वाइल्ड लाइफ के बारे में समझाएंगे। अगर आपका ये चैप्टर स्टार्टिंग से छूट गया है तो आप स्कूल के यूट्यूब चैनल पर जाकर इसको स्टार्टिंग से समझ सकते हैं।